नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन का ट्यूटोरियल एंकर थ्रेड, टेजर और बीट्स के साथ में। यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल कुर्ती कट की हुई है और अभी हम लेंगे ये पेपर कैनवास। इसकी लंबाई मैंने ली है 14 इंच और चौड़ाई जितनी आपकी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको लेनी है। इसे हाँ मैं यहाँ ऊपर के हिस्से में इस तरह से चिपका देना है और एक्स्ट्रा जो भी ये पेपर है उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से कट करने के बाद यहाँ से दोनों साइड में से हम 2-2 इंच का मार्क करेंगे। दोनों साइड में हमें ये 2 इंच छोड़ देना है और उसके बाद में यहाँ जो 2 इंच पे हमने मार्क दिया है उसकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसके आगे 1/2 इंच पर मार्क करके ये लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके आगे वापस 1/2 इंच पे करके मार्क करना है और ये लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह ये 3 लाइन बन जाएगी और इन 3 लाइन के दोनों के बीच में 1/2 इंच का गैप है। उसके आगे हमें 1 इंच का गैप लेना है और वापस से इसी तरह से ये 3 लाइन को ड्रॉ करना है। अभी हम 1 इंच का गैप ले रहे हैं और वापस ये 3 लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से आगे ये सारी लाइन्स को ड्रॉ करना है। ये जहाँ तक हमने 2 इंच छोड़ा है साइड में वहाँ तक। इस तरह से ये सारी लाइंस हमारी हो चुकी है। अभी इन लाइंस पे हमें एंकर थ्रेड की स्टिच लेनी है, जिसे एंकर थ्रेड को मैंने बॉबिन में भर दिया है और बॉबिन की इसका ये पेच लूज कर दिया है। इस तरह से ये आसानी से बाहर निकल सकता है। एंकर थ्रेड को कैसे यूज़ करते हैं उसका पूरा डिटेल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप आई बटन से इसे देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये हमारी लाइन है, ये कैनवास वाला हिस्सा है जो ऊपर रहेगा, यहाँ पर नॉर्मल थ्रेड है और नीचे बॉबिन में हमारा एंकर थ्रेड रहेगा। तो जो लाइन्स हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर ऊपर हमें एक सिंपल सी सीधी स्टिच लेनी है और एक लाइन छोड़ के ये जो सेंटर की लाइन है वहाँ पर हमें ये 1 इंच का गैप रखना है और उसके बाद में बैक स्टिच लेके इसको लॉक करेंगे यहीं पर। ये नॉर्मल स्टिच की तरह होती है तो आप इसकी एक बैक स्टिच लीजिए तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों लाइंस पे मैंने ये स्टिच ली है। अभी ये थर्ड लाइन, ये जो तीसरी लाइन है वो हमने पूरी लेनी है, बस जो सेंटर की लाइन है वो 1 इंच हम लोग कम लेंगे, उस पर सिलाई 1 इंच कम लेनी है नीचे से। तो देखिए बैक स्टिच लेने से ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा और एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड है उसे आप कट कर दीजिए, ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। और इस तरह से हमें ये सारी लाइन्स पे सिलाई लेनी है एंकर थ्रेड से। यहाँ आप चाहें आपका नेक अगर डीप ज़्यादा है या कुछ भी है तो आप इसे ड्रॉ करके नेक की थोड़ा सा ऊपर से इसे सिलाई आप शुरू कर सकते हैं, इसे अगर आपका धागा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। ये सेम प्रोसेस पूरी लाइन में ऐसे ही करना है। यहाँ पर सारी लाइंस पे मैं ये स्टिच ले चुकी हूँ और जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं उन्हें कट कर देना है। नीचे जो हमने बैक स्टिच लेके इसको लॉक किया है वहाँ एक्स्ट्रा धागों को कट कर देना है। यहाँ पे बीट्स आ जाएंगे और ये बहुत फिनिशिंग के साथ रहेगा और लॉक भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक है उसको मैंने राउंड नेक में इस तरह से कट किया हुआ है और इसकी फिनिशिंग देनी है। यहाँ पर मैं इसकी फिनिशिंग दे चुकी हूँ। अभी हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे गोल्डन कलर की मोती। ये गोल्डन कलर की मोती इन लाइंस पे हमें अटैच करने हैं इक्वल गैप से, सेंटर की लाइन को छोड़ के। इन 3 लाइन में सेंटर की लाइन को छोड़ देंगे,
बाकी दोनों साइड की लाइन में ये बीट्स को हमें इक्वल गैप से अटैच करना है। इस तरह ये सारे बीट्स में अटैच कर चुकी हूँ सेंटर की लाइन को छोड़ के। यहाँ पर देखिए अभी हमें ये टेजल लेने हैं, ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको ना मिले तो आप टेजल घर पे बना के इन्हें यहाँ पर अटैच कर सकते हैं उसके ऊपर एक मोती लगा के। तो जहाँ हमारी सेंटर की लाइन है वहाँ हमें ये टेजल अटैच करना है। इन तीन लाइन के बीच की जो लाइन है वहाँ पर हम ये टेजल अटैच करेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैं सारे टेजल अटैच कर चुकी हूँ और ये हमारी नेक लाइन बन की रेडी है। और ये बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, एक सिंपल फैब्रिक पे आप इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा और हैवी लुक देगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, या कोई डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। आरी और एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी डिज़ाइंस मिलेंगी। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे आने वाले और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।